वेलकम फ्रेंड्स, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने थ्री डिजिट के साथ सिंगल डिजिट को डिवाइड करना सीखा। इस ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर डिजिट को वन सिंगल डिजिट के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो रूल्स हैं, कंसेप्ट हैं, वो सेम रहेंगे। यहाँ पे फर्स्ट सम है 3972 डिवाइड बाय 6, मीन्स 3972 को 6 के साथ डिवाइड करना है। यहाँ पे हम वही रूल अप्लाई करेंगे, पहले चेक करेंगे जो फर्स्ट डिजिट है हमारा डिवीजर का 3, वो 6 से स्मॉल है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो उसका पार्टनर है 9 उसे यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हम 39 को चेक करेंगे कि 6 के टेबल पर कहाँ पे लाई करता है। अब देखते हैं कि जो 39 है वो 6 के टेबल पर कहीं पे भी लाई नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 39 से स्मॉल वाली वैल्यू, जस्ट स्मॉल वैल्यू 36 को यूज करेंगे। 36 हम चेक करेंगे 6 के टेबल पर, 6 पे लाई करेगा, 6 के टेबल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे 6। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारा सब्ट्रैक्शन, मींस 39 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3। 3 हम देखेंगे कि जो 6 के साथ सफिशियंट नहीं है डिवीजन के लिए, तो अब हम क्या करेंगे, 3 के साथ 7 को, जो उसका पार्टनर है, उसे यूज करेंगे। देन 37 को हम चेक करेंगे 6 के टेबल पर कहाँ पे लाई करेगा। 37 6 के टेबल पे कहीं पे भी लाई नहीं करता, इसीलिए हम यहाँ से 37 में से जस्ट स्मॉल वैल्यू यूज करेंगे जो कि 36 है। 36 हम चेक करते हैं 6 के टेबल पर, 6 पे डिवाइड होता है, तो अब हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू एंटर करेंगे 6 आप देखेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप इज सब्ट्रैक्शन, 37 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। अगेन हम चेक करते हैं कि जो 1 है वो 6 के स्मॉल है, मीन्स 6 के साथ डिविजन के लिए सफिशियंट नहीं है, तो हम उसके पार्टनर को यूज करेंगे जो कि 2 है। देन 1 एंड 2 इज 12। अब हम 12 को चेक करेंगे कि 6 के टेबल पे कहाँ पे डिवाइड होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 12 है वो 6 के टेबल पे 2 पे डिवाइड होगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा 662, मीन्स 3972 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 662 आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट टर्म इज 2256, मीन्स 2256 डिवाइड बाय 4। अब हमें इसे 4 के साथ डिवाइड करना है। अब हम क्या करते हैं, 2 को चेक करते हैं, जो 2 है वो 4 से स्मॉल है, इसीलिए हम यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे नेक्स्ट पार्टनर को लेने का। नेक्स्ट पार्टनर है 2। अब हम 22 को चेक करते हैं कि वो 4 के साथ कहाँ पे डिवाइड होता है, मीन्स 4 के टेबल पे कहाँ पे लाई करेगा। अब हम जानते हैं कि जो 22 है वो 4 के टेबल पर कहीं पे भी लाई नहीं करता, तब हम 22 से जस्ट स्मॉल वैल्यू जो कि 20 है उसे पिक करते हैं। हम 20 को चेक करेंगे कि 4 के साथ कहाँ पे भी डिवाइड होगा, मीन्स 4 के टेबल पे कहाँ पे लाई करेगा 20। अब हम जानते हैं 25 के टेबल पे 5 पे लाई करता है, इसीलिए हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 5 आप देखेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारा सब्ट्रैक्शन का, मीन्स 22 में से 20 को माइनस करेंगे। 22 में से 20 को माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू होगी 2। 2 के साथ हम देखते हैं जो 4 है 2 स्मॉल है, इसीलिए हम यहाँ पे जो 2 है वो डिवीजन के लिए सफिशियंट नहीं है, तो हम यहाँ पे उसका पार्टनर यूज करेंगे जो कि 5 है। 2 5 25। अब हम 25 को चेक करेंगे कि 4 के साथ कहाँ पे डिवीजन होती है इसकी, मीन्स 4 के टेबल पर कहाँ पे लाई करता है 25। 25 4 के टेबल पर कहीं पे भी लाई नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट स्मॉल वैल्यू यूज करेंगे 24। यहाँ पे हम देखते हैं जो 24 है वो 4 के टेबल पर 6 पर लाई करता है, इसीलिए हम यहाँ पे वैल्यू एंटर करेंगे प्लेस वैल्यू 6 आप देखेंगे। देन हम देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा सब्ट्रैक्शन, 25 में से हम 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। अगेन जो 1 है वो सब रिविजन के लिए यहाँ पे सफिशियंट नहीं है, तो हम यहाँ पे 6 उसका पार्टनर यूज करेंगे। देन 1 6 16। अब हम 16 को चेक करेंगे कि जो 4 पे किस टेबल पे, मीन्स 4 के टेबल पर कहाँ पर लाई करेगा। जो 16 है वो 4 के टेबल पर 4 पे लाई करता है, इसीलिए हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू एंटर करेंगे 4, और इस तरह से हमारा जो आंसर बनेगा वो है 564। नेक्स्ट सम इज 7785, मीन्स 7785 डिवाइड बाय 9। अब हमें इसे 9 पे डिवाइड करना है। पहले हम फर्स्ट जो डिजिट है डिवीजर का चेक करेंगे, 7 है, 9 से छोटा है, इसीलिए हम यहाँ पे इसके पार्टनर को यूज करेंगे 77 को आप देखेंगे। अब हम 77 को चेक करते हैं कि वो 9 पे कहाँ पे डिवाइड होता है। 77 9 के टेबल पर कहीं पे भी डिवाइड नहीं होता, लेकिन जो 77 से जस्ट स्मॉल वैल्यू है 72 वो 9 पे डिवाइड होती है, और 72 को 9 पे डिवाइड करने के बाद, मीन्स 9 के टेबल को चेक करने के बाद हमारे पास प्लेस वैल्यू आती है 8 आप देखेंगे। यहाँ पे हम 8 एंटर करेंगे।
देन हमारा स्टेप है सब्ट्रैक्शन का, 77 में से 72 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 58। अब देख सकते हैं 77 में से आप देखेंगे 72 को माइनस करेंगे तो 58 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो 58 है वो यहाँ पे 9 पे हम चेक करेंगे, जो 5 है आप देखेंगे कि 5 9 से छोटा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे उसके पार्टनर 8 को यूज करेंगे। 58 को हम चेक करेंगे 9 के टेबल पर कहाँ पे डिवाइड होता है, 50 टेबल 58 9 के टेबल पर कहीं पे भी लाई नहीं करता, लेकिन जो 54 है वो 9 के टेबल पर लाई करता है, इसीलिए हम यहाँ पे स्मॉल वैल्यू लेते हैं 54। 54 लेने के बाद हम देखते हैं जो इसकी प्लेस वैल्यू है वो 6 है 9 के टेबल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम 6 एंटर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सब्ट्रैक्शन का, 58 में से हम 54 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। 4 9 से अगेन छोटा है, मींस डिवीजन के लिए हमारे पास 9 जो 4 है वो हमारा सफिशिएंट नहीं है तो हम इसके पार्टनर को यूज करेंगे 5 को, 4 5 50 45। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 45 को चेक करेंगे कि 9 के टेबल पर कहाँ पे डिवाइड करता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि जो 45 है वो 9 के टेबल पर 5 पर लाई करेगा तो हमारा आंसर आएगा 865। नाउ लास्ट सम इज 6454 डिवाइड बाय 7। अब हम 7 को चेक करेंगे 6 के साथ, जो 6 है वो 7 से छोटा है इसीलिए हम इसका जो पार्टनर है 4 उसे यूज करेंगे। हम 64 को चेक करेंगे कि 64 7 के टेबल पर कहाँ पे लाई करेगा, 64 हम देखते हैं कि 7 के टेबल पर कहीं पे भी लाई नहीं करता तो हम 64 से जस्ट स्मॉल वैल्यू 63 को यूज करेंगे। 63 हम चेक करते हैं 7 के टेबल के अकॉर्डिंग 9 वैल्यू है इसकी प्लेस वैल्यू, मींस 7 के टेबल पर 9 पर जाएगा तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू एंटर करेंगे 9 आप देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप है सब्ट्रैक्शन, 64 में से 63 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। 1 अगेन हमारे पास अनसफिशियंट है, मींस डिविजन के लिए 1 हम यूज नहीं कर सकते 7 के लिए, तो हम यहाँ पे उसके पार्टनर को यूज करेंगे जो कि 5 है। 1 5 15। अब हम क्या करेंगे 15 को चेक करेंगे 7 के लिए कि कहाँ पे डिवाइड होता है, मींस 15 7 के टेबल पर कहाँ पर लाई करेगा, लेकिन 15 7 के टेबल पर लाई नहीं करता, लेकिन हम 15 से जस्ट स्मॉल वैल्यू उठाएंगे जो कि 14 है। 14 7 के टेबल पर 2 पे लाई करता है, उसकी प्लेस वैल्यू 2 है तो हम यहाँ पे 2 विजिबल आप देखेंगे 2 शो किया है हमने। देन सब्ट्रैक्शन करेंगे 15 में से 14 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। 1 हम देखेंगे 7 के लिए सफिशियंट नहीं है डिवीजन के लिए तो हम यहाँ पे उसका पार्टनर यूज करेंगे 4। 1 4 14। 14 हम देखते हैं 7 के साथ कहाँ पे डिवाइड होता है, मीन्स 7 के टेबल पर 14 कहाँ पे लाई करेगा, 14 जो है वो 7 के टेबल पर 2 पे लाई करता है तो हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू एंटर करेंगे 2। इस तरह से जो हमारा आंसर बना है वो है 922, मींस 6454 को 7 के साथ डिवाइड करने पर आंसर आता है 922। नेक्स्ट जो सम है वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।